Good morning, students of class 9th. Today we will study a new poem titled Wind, written by Subramanya Bharti from the book Beehive. This poem is derived from the poet's observation. He sees the effect of wind and the stormy weather. He also praises the wind god. आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड. ये हमको याद दिलाती है उस सुपर साइक्लोन की जो कल यानी 21 मई को 2020 में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया है. इसके पहले एक सुपर साइक्लोन 27 अक्टूबर 1999 में भी उड़ीसा में आया था, जिसके ऊपर एक लेसन आप पढ़ेंगे, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा इन द बुक मोमेंट्स. द पोएट सजेस्ट एवरीवन टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली. तो इस कविता में जो पोएट है सुब्रमण्य भारती, ये जो विंड या साइक्लोन जो है, स्टॉर्म है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स की बात करता है कि वो कितना नुकसान करता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं. द पोएट सजेस्ट एवरीवन टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली. तो जो पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, वो कहते हैं कि हम जब तक कि फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम विंड का सामना नहीं कर सकते. अब विंड से यहाँ उनका क्या मतलब है? विंड हियर इज़ अ सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज ह्यूमन फेस फॉर देयर सर्वाइवल. तो हम जो अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं, उसका सिंबल है विंड. पीपल विद स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड मेंटल हेल्थ विल स्टैंड टू फेस द ऑड्स ऑफ लाइफ. अब हम पहला स्टैंजा लेते हैं. विंड, अब पोएट कहते हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. इसका मतलब है द पोएट रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्लो सो स्ट्रांगली. वो जो पोएट हैं वो कहते हैं विंड से कि आप बहुत इतनी तेज़ी से ना बहो. दैट इट ब्रेक्स डाउन द शटर्स ऑफ द विंडो, जिससे कि जो खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो टूट जाएं. एज द सेपरेट मैन फ्रॉम द स्टॉर्मी एनवायरमेंट आउटसाइड, क्योंकि जो खिड़की के दरवाजे हैं वही आदमी को बाहर का जो स्टॉर्मी विंड है, जो तूफान चल रहा है, उससे बचाते हैं. ही ऑल्सो आस्क्स द विंड नॉट टू स्कैटर द पेपर्स इन हिज रूम. वो कहते हैं कि हमारे रूम में जो पेपर्स हैं रखे हैं उनको आप ना बिखेरें. और थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ्स, या जो हमारे अलमारी में जो किताबें रखी हैं उनको भी ना गिरा दें. अब हम अगले स्टैंजा पे आते हैं. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. Here the poet accuses the wind of blowing so strongly. जो पोएट हैं वो विंड को ब्लेम करते हैं कि आप जो है इतना तेज़ी से बह रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि दैट द बुक्स वर थ्रोन डाउन, हमारी जो किताबें हैं वो नीचे उड़ के गिर गई हैं फ्रॉम द शेल्व्स, अलमारियों में से. एंड द पेजेस टोन, और उनके जो पेजेस हैं वो फट गए हैं. इट सेज दैट द विंड हैज़ ब्रॉट रेन आउटसाइड अगेन. वो कहते हैं कि जो विंड है वो बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ बारिश भी लेके साथ में आई है. अब हम थर्ड स्टैंजा पे आते हैं. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. नाउ द पोएट स्पीक्स इन अ सॉफ्ट टोन टू द विंड. अब ये पोएट जो है बहुत ही नम्रता से विंड से बात करते हैं और कहते हैं दैट इट डज मिसशिफ व्हेन इट कम्स अक्रॉस एनीवन हु इज वीक एंड माइल्ड. वो कहते हैं कि जब विंड जो है ऐसे लोगों के साथ बहुत ही मुश्किल पेश करता है जो बहुत ही कमज़ोर हैं और उसका विरोध नहीं कर सकते, उसके एक्शंस का विरोध नहीं कर सकते. इट ब्रेक्स डाउन डोर्स, वो दरवाजे, विंड जो है तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो दरवाजे टूट जाते हैं. जो स्लोपिंग बीम्स हैं, जो छतों की बीम्स हैं, वो टूट के गिर जाती हैं. एंड इवन वुडन हाउसेज, जो लकड़ी के जो मकान बने हुए हैं वो सब गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. दस द पीपल आर लेफ्ट विदाउट शेल्टर फ्रॉम द हार्श वर्ल्ड आउटसाइड. अब उनके जब घर टूट गए
तो क्या होता है कि जो लोग हैं उनके पास कोई शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है और वो खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट द ट्रबल्स वी फेस इन लाइफ कम सडनली लाइक द विंड. यहाँ से यहाँ पे पोएट का कहने का आशय ये है कि जो जो विंड है, जो मुश्किल हम जो मानव हैं वो ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल फेस करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं जो अचानक विंड की तरह से आती हैं, जिसका हमें पहले से कुछ अंदाज़ा नहीं होता है. द पोएट सेज द विंड कैन टियर डाउन वीक बॉडीज. वो कहता है कि पोएट कहते हैं कि जो आदमी जो कमज़ोर शरीर वाले लोग हैं विंड उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है. एंड फ्रेजाइल हार्ट, या जो दिल से कमज़ोर होते हैं उनका सबसे उनका मतलब उसका असर विंड का असर उन पर सबसे ज़्यादा होता है. डैट इज़ डिफ़िकल्टीज इन लाइफ कैन लीड टू द लॉस ऑफ होप एंड लॉस ऑफ लाइफ. अभी क्या है, इस तरह की जो मुश्किलें आदमी के पास सामने आती हैं उसे क्या होता है, लॉस ऑफ होप हो जाता है. आदमी अपना विश्वास खो देता है और लॉस ऑफ लाइफ, और काफ़ी लोगों की तो मृत्यु हो जाती है जब तूफान आता है. जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी वेस्ट बंगाल में कल हुआ है कि बहुत से लोग मर गए वहाँ पे. सो इट इज़ ऑल अप टू द विंड गॉड. कह रहा है कि अब विंड गॉड के ऊपर वो किस तरह से लोगों को ट्रीट करता है. अब हम फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. Let's join the toes firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Ab yahan pe jo poet hai wo kehte hain, the poet has now advises the readers. Ab wo jo poet hain, जो रीडर्स हैं हम लोग उनको सलाह देते हैं. दैट द विंड डज नॉट लिसन टू एनीबडी. वो कह रहा है विंड जो है जब आता है, तूफान ही तूफान आता है, जैसा कि सुपर साइक्लोन कल वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया, वो किसी की नहीं सुनता है. एंड डज व्हाट इट लाइक्स, और जो भी जितना भी नुकसान करना चाहता है वो करता है. टू एस्केप इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, अगर हम उसके बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा. We should build strong homes. हमें मजबूत घर बनाने होते होंगे. And ensure that their doors cannot be easily broken. और ये इतने मजबूत दरवाजे बनाएं कि वो कोई भी तूफान आदि तूफान में टूटे ना. Also we must train our bodies and hearts to combat and resist it and the ill effects of the wind. और हम उनको कहते हैं कि पोइट कहते हैं कि हमें अपनी बॉडीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हम किसी भी आंधी तूफान से लड़ सकें. And resist the ill effects, और उसके जो बुरे प्रभाव हैं उससे उसका विरोध कर सकें. If we are able to do this, then the wind will not be our enemy. अगर हम ये इतना शक्तिशाली बन जाएं, तो विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हमारा दुश्मन नहीं बन सकता. Instead the wind will be friendly to us. अब जब विंड जब देख लेगा कि आदमी मानव जो है इतने मजबूत हो गए, शक्तिशाली हो गए हैं, तो वो खुद ही हमसे दोस्ती कर लेगा. The poet implies that if we make our character strong, अब यहाँ पे इनका क्या सुब्रमण्य भारती का कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने चरित्र को इतना मजबूत बना लेते हैं, we will be able to face any trouble easily. हम दुनिया में कोई भी मुश्किल आएगी उसको हम मजबूती से सामना कर सकते हैं. So this way we come to the end of the poem Wind, written by सुब्रमण्य भारती. अब ये poem हमें कल जो सुपर साइक्लोन आया वेस्ट बंगाल उड़ीसा में, उसकी हमें याद दिलाता है. इसलिए ये पोएम बहुत ही आज के टाइम से बहुत ही रेलेवेंट है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.